नमस्कार, न्यूज आज की इस खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। कहते हैं डॉक्टर धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है, इसलिए आम आदमी डॉक्टर पर इतना विश्वास करता है। भगवान के बाद एक डॉक्टर ही है जो इंसान को नई जिंदगी दे सकता है। ऐसा ही एक वाकया शुक्रवार सुबह उज्जैन के चरक अस्पताल में हुआ, जब डिलीवरी के बाद प्रसूता ने मृत शिशु को जन्म दिया तो परिजन मृत शिशु को देखकर दर्द से सहम गए, लेकिन डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। डॉक्टर्स की 2 घंटे की मशक्कत तब काम आई जब नवजात के दिल की धड़कन लौटी और शिशु में जीवन की उम्मीद देखने को मिली। डॉक्टर्स भी इस घटना से हैरान हैं। इस प्रकार के केस हजारों में से किसी एक में देखने को मिलते हैं, जिनकी सांस जन्म के समय अटक जाती है। इस प्रकार के केस में 0.1% केस में ही शिशु की धड़कन लौटती है। यह बेहद खुशी की बात है कि शिशु की धड़कन लौट आई, वहीं शिशु अब पूरी तरह स्वस्थ है। बुधवार के दिन जुमेरात के दिन हुआ, सुबह 4:30 बजे उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा आई थी, सांस और धड़कन सब बंद थी। फिर डॉक्टर साहब ने 2 घंटे बाद उसको टेबल पर लाया, आईसीयू रूम में रखा जाकर, जब जाकर उसकी थोड़ी जान में जान आई है। डॉक्टर साहब ने जब हुआ था जब तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी, सांस वास धड़कन वड़कन सब बंद थी। फिर डॉक्टर साहब ने ला के टेबल पर उसका एडजस्टमेंट चालू करा, उसके बाद थोड़ा 2 घंटे बाद मतलब थोड़ा जान में जान आई, उसकी सांस वास लेने लगा, छोरा धड़कन वड़कन लेने लगा, उसके बाद फिर उन्होंने इलाज चालू करा। एक्चुअली क्या है, बच्चा जब भी पैदा होता है तो उसके निकलते से ही 1 मिनट जो रहता बहुत क्रिटिकल रहता है। अगर उस वक्त उसने एस्पिरेट कर रखा है या कुछ गंदा पानी पेट में चला गया, उस वक्त अगर डॉक्टर नहीं रहे तो बच्चे के बचने के चांसेस 0 रहते हैं। निमोनिया हो जाता है, कई चीज़ की रेस्पिरेटरी, जितनी भी सेरिब्रल पाल्सी की जो रहती है, बच्चा मद बुद्धि डेवलप नहीं हो पा रहा, ये सिर्फ ये 2 मिनट का ही काम रहता है। 2 मिनट में अगर उसको अपन ने रिसक्सीडेट कर लिया, बच्चे में कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हर बच्चे को हम इसी तरह से ट्रीट करते हैं। उज्जैन से सुदर्शन सोनी की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।